मैं दा तर्जमा जी भी खरिया करना इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना नी भाई दा इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना नी भाई दा इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना नी भाई दा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा भाई कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाई ਗੀਰ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ ਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਵਿਛਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ सारे दरबारी शोर मचा देंगे मज़हर हंदी ने बादशाह नूं सजदा कर लिया पर वो भी नबी करीम दा लाडला सी जिहड़ा पहले दरबार के अंदर आए वेख्या छोटा जिहा दरवाजा झुक के गुजरना पैना है कि बाबा जी ने सर नहीं गुजारिया पहले अपनी जुत्ती मुबारक गुजारी ते जुत्ती दा तलवा बादशाह वल के करके फरमा देने तू मैनू की हरन है तू ते दुनिया दा बादशाह है मैं दीन दा बादशाह वा फरमाया तेरी सारी शाही मेरी जुत्ती दी नोक तू पार अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाहे सैयद अल-अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बदहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात तबाइस तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पुराने मजीद फुरकान ने हमी की आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने ईमान वाले की सिफत को भी बयान फरमाया और उनकी अज़मत की निशानी को भी अता फरमाया इरशाद फरमाया इन्नल लदीन कालू रब्बुना अल्लाह फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने किया कि साडा रब अल्लाह है थुम्मा इस्तकामू फिर उदे ते इस्तकामत इख्तियार कर गए ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका फरमाया ये ओही लोग ने जिन्हां उते अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते नाज़िल होंदे ने और फरिश्ते आके उन्हानो बशारत दे दिल अल्लाह तखाफू वला तहज़नू कि ना तुहानू कोई खौफ है ते ना तुहानू कोई हुज़न है व अबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुआदून और तुहाडे वास्ते बशारत है उस जन्नत दी जिहदा तुहाडे नाल वादा कीता गया साहित्य मुबारक रब ताला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जिहड़े कहते हैं कि साडा रब अल्लाह है रब दा मानी पालने वाला अल्लाह चाहता है कि ईमान वाले जे अल्लाह मैनू मानना है तो रब भी मैनू ही मानना तेरा पालन वाला भी मैं ही मत किसी दुनियादार वाल वेख फरमाया ईमान वाले की सिफत है कि अल्लाह भी अल्लाह नु मानदा है ते रब भी अल्लाह नु मानदा है फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
हमदा सारिया उस अल्लाह वास्ते जेड़ा रब्बुल आलमीन है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ईमान वाले अल्लाह नु अपना माबूद भी मानते ते अपना रब ते पालनहार भी मानते। फरमाया सिर्फ वो तस्लीम नहीं कर दे कि जुबान ना तस्लीम कर लिया कि साडा रब अल्लाह है। थुम इस्तकामू फरमाया फिर इहदे पक्के भी हो जाते ने, कोई इस्तकामत इख्तियार करते ने। दुनिया इधर दी उधर हो जाए उन्हां दे पाए सबात च लगजश नहीं आती, वह हिलते नहीं अपने मुकाम तो। इहदे च अल्लाह ने औलिया अल्लाह दी शान बयान फरमाई। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते ने अल इस्तिकामत फौक अल करामा, कि करामत नालो इस्तिकामत अगे होंदी है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वह पानी ते टुर के वखा दे, ये भी नहीं फरमाया कि वह हवा च उड़ के वखा दे। फरमाया ईमान ले आमद तो बाद वो पक्के हो जाते ने, इस्तिकामत इख्तियार कर देने। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत दा मर्तबा करामत नालों भी उच्चा है। कोई मुरीद गया अल्लाह वाले दी बारगाह ते अर्ज करदा है, या मुर्शिद कामिल मैनू 40 साल हो गए ने बैत होया, पर मैं 40 साल च कदे तुहाडी करामत नहीं वेखी। आम इंसान के ज़हन च होंदा है कि करामत दिखावे ते फिर बलिए। उन्हें भी अर्ज की, हजूर मैं तुहाडी कोई करामत नहीं वेखी। फरमाया मैनू कदे नबी पाक की शरीयत के खिलाफ को काम करदा वेखिया? अर्ज की नहीं। फरमाया आई मेरी करामत है, नबी पाक की शरीयत इस्तिकामत इख्तियार कर जाना एक करामत नाल भी बुलंद मरतबा है। अल्लाह ने इस आयत मुबारक इस्तिकामत का भी जिक्र फरमा फरमा इन्नल लदीन कालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तकामू, फिर वो पावे सूली चढ़ जावन, पावे कैदी बन जावन, फिर पावे कायनात अख दे सामने लुटी जावे, थुम्मा इस्तकामू वो अपने कौल ते करार ते पक्के रहते। ग्रामी कदर हजरात अल्लाह ने फिर उन्होंने शान बयान फरमाई, फरमाता तनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, ओ इन जिन्ना के फरिश्ते नाजल होते ने अल्लाह दियां रहमतां लैके, ते नाले पैगाम देते ने अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना को तुहानू गम है ते ना को तुहानू खौफ है। याद रखिएगा गम होर होंदा है, खौफ होर होंदा है। तुसी पुछोगे आसी साहब फर्क की है? गम इंसानों अपने मुतलक होंदा है, खौफ इंसानों अपने मुतलक होंदा है। खौफ इंसान दे दिल विच होंदा है ते गम इंसान दे ज़हन च होंदा है, मगर अल्लाह ने फरमाया ना खौफ ते ना उन्होंने कोई हुज़न। ये हुज़न की है, पढ़ा कुरान थोड़ा जा ऊंचा बोलिया जो बोला। ये ते मैं आयत पाक की तशरीह करदा रहा ते वक्त काफी दरकार है, मगर मैं आज दिल करदा है कि सफरुल मुज़फ़र दे माहे मुकर्रम विच बड़े उर्स मुबारक बुजुर्गों के हो रहे, दाता साहब का भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अज मेरी दी बारगाह भी दुनिया जा रही, ते मेरे हजूर सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत इमाम रब्बानी कुतुब रब्बानी कय्यूम ज़मानी कंदील नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका भी उर्से मुबारक है। अज का खुतबा जुमातुल मुबारक मुजद्दिद पाक की बारगाह मैं अपनी अरमगाने नियाज़ पेश करनी है, क्योंकि मुजद्दिदियां ना अपने साइया की बारगज पेश करना पी मैं नजर आना, मैं दसना मैं क्यों मुजद्दी हाँ, सानू क्यों मुजद्दी किया जाता है। ग्रामी कदर हजरात अल्लाह ने इरशाद फरमाया
फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरा सारे वाल ध्यान ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह उची जगह ते बैठा, मैनू पता किड़ा की पिया कर दे भाई, रोंद ना मारो, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा होर जोर लगाओ ते हाथ अपना भी चुकना ते नाल दे दा भी चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया जिन्हां दियां यारियां अल्लाह दे नाल लग जान, ना उन्हां नूं कोई खौफ है ते ना उन्हां नूं कोई हुज़न है। हुज़न किन्नू आखदे ने, खौफ किन्नू आखदे ने, सुनिए अल्लाह दा कुरान। अल्लाह ने रिजा फरमाया जदों गार दे अंदर कबली वाले ते अबू बकर सिद्दीक गारे सौर दे अंदर गए, इधर काफिर गार दे सामने आ गए, हजरत सिद्दीक अकबर घबरा गए, अर्द की कमली वाले जे इन्होंने साढ़े वाल वेख लिया ते फड़के लै जाणगे। कौन है दिवाली ने उस वेले फरमाया, फरमाया ला तहज़न इल्लल्लाह माना, फरमाया हुज़न ना कर। मेरे नबी ने ए नहीं फरमाया खौफ ना कर, फरमाया हुज़न ना कर। पता लग गया खौफ इंसान नु अपनी जात वास्ते आंदा है, हुज़न महबूबा दी जात वास्ते आंदा है, हुज़न अपने महबूब दी जात वास्ते आंदा है। जदों अल्लाह दे नबी हजरत यकूब दा पुत्र यूसुफ भी छड़ गया, अल्लाह दे नबी रोंदे रहे रोंदे रहे, अल्लाह दे नबी दियां अखां दी बेनाई चली गई। अल्लाह ने कुरान च फरमाया अबयदत ऐनाहु मिनल हुज़्न, अल्लाह ने रिशा फरमाया हजरत यकूब दियां अखियां हुज़्न दी वजह तो अखां दी बेनाई चली गई। पता लग गया खौफ अपने वास्ते आंदा है, हुज़्न अपने महबूबा दे वास्ते आंदा है। जदों बलियां दी अल्लाह ने शान बयान फरमाई, फरमाया अल्लाह तखाफु वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नत। अल्लाह ने फरमाया ना बलियां नू खौफ होवेगा ना हुज़न होवेगा। अल्लाह ने दसिया बलियां दे नाल लग जाओ, असी ना बलियां नू मायूस करांगे ते जेड़े बलियां नाल प्यार करनगे असी उन्हां नू भी मायूस नहीं करांगे। बलियां दे नाल लग जावे, अल्लाह फरमांदा असी उन्हां नू भी हुज़न नहीं आवन देवांगे बलियां नू कि उन्हां दी वजह तो दुखी हो जाण। यौमा ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लदीन आमनू माहू, अल्लाह फरमांदा ना असी नबी नू हुज़न आवन देना है, ना उन्हां नू जिन्हां कयामत नू नबी दे नाल मोमिनां ने आउणा है, ना उन्हां नू असी दुख आवन देवांगे। यौमा ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लदीन आमनू माहू, पता लग गया इन्हां दे नाल लग जाइए ना ते बेखौफ हो जा फिर, ना कोई दुनिया दा गम ते ना कोई आखिरत दा हुज़्न, कोई गम ते खौफ नहीं। पर किन्ना नु अल्लाह फरमांदा जेड़े ओ अल्लाह नु अल्लाह मान लैन ते रब भी मान लैन ते फिर इस्तिकामत भी इख्तियार करन, उन्हां वास्ते वा अब शुरू बिल जन्ना। अल्लाह फरमांदा उन्हां वास्ते जन्नत दियां बशारतां, उन्हां वास्ते जन्नत दियां बशारतां। पता लग्या कि ईमान भी जरूरी है ते ईमान ते इस्तिकामत भी जरूरी है। पक्का हो जा, पक्का हो जा, ये इश्क कर बैठा नबी नाल ते फिर हुन अपने पैरां ते पक्का रवी। सहाबे के बार सूली चढ़ गए डोले ने, तुसी सुभान अल्लाह हौली बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। अज मैं शुरू हो रहा, मैं तुहानूं लंबे पैंडे लैके चलिया भाई, सूली चढ़ गए। मैं दा तर्जमा जी भी खरिया करना, इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना निभाईदा, इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना निभाईदा, इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना निभाईदा, कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा, भाई कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा, ए
कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा। ओ जड़े इस्तिकामत इख्तियार कर दे, ओ जड़े पक्के हो जाते ने, डोल दे नहीं, डोल दे नहीं। आज उन हाचू एक कदा जिक्र करन लगा, करिए भाई तज़किरा शुरू। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस्लाम दे अंदर हर 100 साल दे बाद एक मुजद्दद आवेगा। हर 100 साल दे बाद एक मुजद्दद आवेगा। मुजद्दद माने तजदीद करने वाला, पुराने नू नवा करने वाला। आसान अल्फाज च तर्जमा करा, सैयद आलम ने फरमाया मेरी उम्मत च हर 100 साल तो बाद एक मुजद्दद आवेगा। दीन पाक ते साफ करेगा, नया करेगा। यानी 100 साल के अंदर जड़िया इस्लाम के अंदर बिदआत ममनुआत जड़िया शरीयत के नाल टकराव वाली चीज़ा शामिल हो जाएगी, उन्हां तो दीन नू दोबारा पाक करेगा। ओ जड़ा खालिस सदीद कमली वाले लेके आए ना, वह दीन खालिस फिर बना के उम्मत नू देगा। वो हर 100 साल के बाद मुजद्दद आंदा रहा। पर जदों इस्लाम नू 1000 साल गुजरिया ना, वह जड़ा 1000 साल के बाद मुजद्दद आया उन्हों कहते ने मुजद्दद अलिफ सानी, यानी 1000 साल मुजद्दद। वो इस्लाम के चूंकि अजे 2000 साल पूरे नहीं हुए, अजे तकरीबन 1500 तो कुछ साल हुए ने, तो इस्लाम के अंदर अजे मुजद्दद अलिफ सानी सिर्फ एक ही आए। उन्हां दा नाम है हजरत शेख अहमद सरहंदी अलमरूफ हजरत सैयद नाबा मौला नाबा औला ना हजरत सैयद ना मुजद्दद अलिफ सानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ना भी अहमद व मुबशरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे नबी ते नाम ते नाम है। गिरामी कदर हजरात वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल अहद हजरत सैयद नाम मुजद्दद अलफसानी रदी अल्लाह तआला अन्हु 971 हिजरी के अंदर आप दी विलादत बसआदत हुई और आप दा विशाले पाक तकरीबन 1034 हिजरी नु होया। हजरत मुजद्दद पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु खूबसूरत चेहरा, जुल्फा मुबारक खूबसूरत, गंदमी रंग जड़ा सुरखी माइल भी है तो सफेदी माइल भी है, दंद मुबारक आपस मिले हुए, कद मुबारक ना लंबा है ना छोटा है, दरमियाना कद मुबारक है, दाढ़ी मुबारक कुशादा, अख मोटी, नक बारीक, यानी के जहरी खूबसूरती भी अल्लाह ने ता फरमाई ते बातनी भी अता फरमाई। हजरत सैयदना मुजद्दद अलफसानी कय्यूम ज़मानी अपनी मां दे गोदी विच तशरीफ लेके आए। मुगलिया दौरे हुकूमत सी बड़े सगीर दे अंदर, अकबर बादशाह दी हुकूमत दा दौर है। जब हजरत सैयदना मुजद्दद पाक अपनी मां की गोदी तशरीफ लेके आए, हजरत सैयदना मुजद्दद पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी तालीम सब तो पहले ते वालिदे गिरामी ने पढ़ाया, फिर सियालकोट नो भी शर्फ हासिल है कि आप सियालकोट भी तशरीफ लेके आए। साडे कश्मीरी मोहल्ला सियालकोट के अंदर हजरत मुजद्दद पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुल्ला कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कुल किताबां पढ़ियां। हजरत मौलाना अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना मुजद्दद अलफसानी रदी अल्लाह तआला ने मुल्ला कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कुल कश्मीरी मोहल्ले पढ़ते रहे। ग्रामी कदर हजरात हजरत मौलाना यकूब रहमतुल्लाह अलैह कुल हदीस पाक दा सबक पढ़िया। मैं तुम्हें इब्तदाई थोड़ा तारो पेश कर लवा। आप उजाते पाक ने के 29 और बाद के मुताबिक 31 वास्ते दे नाल आप हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दी औलाद पाक ने।
यानी कि आप फारूकी ने 31 वास्तियां दे नाल यानी 31 आप दे अबाओ जदाद उना दी गिनती करिए ते आप दा वास्ता हजरत उमर फारूक नाल जाके मिल जांदा है। शबाहत भी फारूकी ते सीरत भी फारूकी ते जलाल भी बाबे दा फारूकी। हजरत मुजद्दद पाक रजी अल्लाह तआला अनहु बचपन दे अंदर एक वलीए कामिल ने उन्होंने बचपन में आप नु वेख के फरमाया कि ए कोई वड्डा ही वली बनेगा। हजरत मुल्ला कमाल के थलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वड्डा ही वली बनेगा ते अपने कमाल ते पहुंचेगा। ग्रामी कदर हजरत हजरत मुजद्दद अलिफ सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना बाकी बिल्ला सरकार आप दे मुर्शिद कामिल ने साडे नक्शबंदियां दे अजीम पेशवा हजरत मुल्ला बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त दे बहुत बड़े सूफी सन। इधर हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद पाक ने इरादा किया मैं हज करके आवा। आप दिल्ली शहर तो चले ते आप दा गुजर जब हजरत बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे करीब तो गुजरिया ते एक आप दे दोस्त ने आखिया कि इत्थे एक अल्लाह दे वली रहंदे ने आप नू वलियां नू मिलन दा शौक बड़ा सी ते ख्याल आया थोड़े दिन इत्थे ठहर मैं जावां ते अल्लाह दे वली कोल कमाल हासिल करा इन्हां कोल को मुराकबा सिखा को जिक्र अजकार लैके जावां मैं इन्हां दे कुरब च वक्त गुजारा। उधर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दी निगाह जब हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद पाक ते पई ना हजरत बाकी बिल्ला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह आप बड़े नाज वाले सन किसी ते जल्दी तवज्जो नहीं सन फरमांदे पर जब हजरत शेख अहमद सरहंदी आए ना ते आपने आप ने खुद फरमाया फरमाया चलो एक महीना ना ठहरो ते एक हफ्ता मेरे को ठहर जाओ। मुजद्दद पाक फरमाते ने जब मैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला को एक हफ्ते की नीयत करके ठहरिया ना ते ऐसा लुत्फ आया कि आप फरमाद ने हजरत ने मेरे ते ऐसी तवज्जो फरमाई कि आप फरमाद ने एक महीना दो महीने ढाई महीने गुजर गए। बाबे दी बारगाह च उठन दा जी ना करे हज भी करन जाना सी। उधर हजरत बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप ते अपनी तवज्जो इत्तेहादी फरमा रहे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दी तवज्जो इत्तेहादी ऐसी तवज्जो सुनावा केड़ी तवज्जो जेड़े इंसान दे दिल दे हालात ही बदल के रख देंदी एक निगाह ते हालात जिंदगी दे तब्दील हो जांदे। मैं इन्हें जे पढ़िया करना वा बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर हो सकता तो अनु ना होता हुए मगर मैं तो अनु आसान कर कर करा बंदे रब दे नजर करके तकदीर। मेरे नबी ने फरमाया ला यरुद्दुल कजा इल्ला दुआ ला यरुद्दुल कजा इल्ला दुआ फरमाया तकदीरा नहीं बदल दिया पर दुआ करिए तो तकदीरा बदल जांदियां ने पर कोई दुआ करने वाली जुबान भी तो होवे ना एदा तर्जमा पिया करना बंदे रब दे नजर करके तकदीर। अज दा ईमान हाथ चुके हुण मेरे नाल तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे लिखी होई कलम वाली तहरीर बदल दे दे
कहते ने फैसलाबाद आया 36 घंटे का सफर करके। सुभान अल्लाह, मैं अज ही पता लगे फैसलाबाद बंदा 36 घंटे सियालकोट आता बैठ। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। अच्छा जी, तवज्जो बोले, सुभान अल्लाह भाई। मैं आप साहिवाल सफर करके दो तकरीर एक ओकाड़े की, एक साहिवाल की, अब हूँ ही आया मैं। मैं भी सियालकोट प्रौना ही बन के आना भाई, ठीक है, क्योंकि सारा हफ्ता तो मेरा सफर ही गुजर जाता है। अलहमदुल्ला अला जालिक। मैं जुमा पढ़ान इस तो उन्हें पिछले जुमे भी सुनाया सी कि उठ फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा, मत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। बंदे रब दे नज़र करके तकदीर बदल दे। हजरत बाकी बिल्ला सरकार ने बड़ी बार मैं वाक्य सुनाया, सुनो। आप दे घर आ गए मेहमान, घर में खावन लिए कुछ नहीं, घर के सामने तंदूर वाले की दुकान थे। ओ बाबा जी ना करता सी प्यार, उन्हें ख्याल आया कि बाबा जी तो फकीर बंदे ने, तो इन्हें घर खावन लिए कुछ भी नहीं होगा, तो होवे ना तो मैं थोड़िया रोटियां बेच देव, मेहमान बधेरे आ गए। उन्हें निहारी भी बनाई, नान भी लगाई, नान और निहारी उन्हें हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार के घर भेज दी। तो कोई खाना आपने मेहमानों को खिलाया, मेहमान खा के चले गए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला वली लाजपाल होंदे ना भाई, वली लाजपाल होंदे ने। ख्वाजा साहब उठ के तंदूर वाले दुकान ते आ गए, उन्होंने फरमा दे आज मेरी बड़ी इज्जत रखी आ, ते मांग जो मांगना। ओ वलिया ना प्यार करने वाला हाथ जोड़ के कहंदा बाबा जी दुआई करे आ जाए। फरमाया फकीर दी मौज ही कुछ मांग ले। उन्हें दोबारा अर्ज की, लाजपाल दुआई करो, तुहाड़िया दुआवां नाल रब ने अता कीता। आपने फरमाया चलिया फकीर दी मौज ही कुछ मांग ले। ओ ते हो गया सीधा, ते कहन लगा मैं लगा जे मांगण। फरमाया मांगना, आखे मंगल लगा जे। फरमाया मांगना, कहन लगा जे मैनू कुछ देना जे ते मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो, मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो। ख्वाजा साहब ने फरमाया बाकी बिल्ला बनना कोई एडा सौखा काम है। फरमाया मेरी जिंदगी दियां रातां मुसल्ले ते गुजर गईयां ने। उन्हें अर्ज की लाजपाला मैं सुनया है कि करीम उन्हों कहते ने जड़ा दे के लवे ना, ते तेरे जिहा करीम मैं वेखिया ही कोई नहीं, हुण लबा चू कढ़िया जे ते बनाओ मैनू बाकी बिल्ला। ख्वाजा साहब उहदा दामन पकड़ के उन्हों कमरे च लै गए, ते कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तीन दिन हुजरे का दरवाजा बंद रहा, अल्लाहू दियां सदावां आउंदियां रहियां। तीन दिन के बाद दरवाजा खुलिया, वेखण वाले कहंदे ने पता ही नहीं लगदा बाकी बिल्ला केड़ा है, नान वाला केड़ा, पता ही नहीं चलदा। समझते आ रही है ना भाई? एक की निशानी है, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीजी च वाकया लिखा है। आप फरमाते हैं एक की निशानी सी कि बाकी बिल्ला होश च ते तंदूर वाला बेहोश है। वो तीन दिन बेहोश रह के फौत हो गया, क्योंकि उहदे कोलों रहमतां बर्दाश्त ना होईयां जिहड़ियां रब बाकी बिल्ला ते बरसांदा सी। तथा नज़ल अलैहिम अल मलाइका, उहदे कोल रहमतां बर्दाश्त ना होईयां, फौत हो गया। हुण तुसीं पुछोगे आसी साहब इह किवें? आसान करके अर्ज करा, पिछले जुमे भी अर्ज किया मगर वह छोटी मिसाल अज भी एक मिसाल देवा कि पिछले जुमे मैं दस्या कि लोहा अग विच रखीए ना उंज लोहा नहीं साड़दा, पर जब अग बिच रवे ना फिर वह भी साड़दा, क्योंकि उसकी निस्बत अग नाल होगी। बार धुप में कोई आईना लैके खड़ा हो जाए, आईना शीशा, सूरज वाल इस तरह करिए तो सूरज आईने के बिच नजर आता, जेड़ा काम सूरज करता फिर वह शीशा भी करता ना, रोशनी भी देता।
ते जो मोटा शीशा रख लिए ते फिर वो कागज़ भी साड़ देता है ना। अस इन जी जदों अल्लाह वाले तवज्जो कर देना जेड़े काम फिर अल्लाह वाले कर देने फिर वो भी कर देते अल्लाह वाले तवज्जो कर दे। मौलवी अशरफ अली थान भी देवबंदी ते इत्थे तक लिखे हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कुत्ते ते तवज्जो कीती ते सारे पूरे शहर दे कुत्ते उस कुत्ते दे दवाले बैठे रहंदे सन। मौलवी अशरफ अली थान भी देवबंदी ने हजरत शेख जुनैद बगदादी दे बारे लिखिया कुत्ते ते तवज्जो कर दित्ती ते कुत्ते उस कुत्ते दा अदब करदे सन ओदे दवाले बैठे रहंदे। गिरामी कदर हजरात जदों अल्लाह दे वलियां दी तवज्जो हो जाए किसे ते ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह ओ मुर्शिद कामिल कि आपने जदों हजरत शेख अहमद रहंदी ते एक निगाह कीती ते वेख्या ते ए ते बड़ा वड्डा वली बनेगा। और तुसी हैरान होवोगे गल सुन के हजरत मुजद्दद पाक मुरीद ने ते शेख बाकी बिल्ला पीर ने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला पीर ने मुरीद दे बारे फरमाया फरमाया शेख अहमद ओ सूरज है जिदे विच साडे वर्गे कई दीवे गुम हो जांदे ने। पीर ने मुरीद दे बारे फरमाया फरमाया मुजद्दद अलसानी शेख अहमद ओ सूरज है जिदे विच साडे वर्गे कई चिराग गुम हो जांदे ने। ओ हजरत मुजद्दद अलसानी जदों मुर्शिद कामिल दे कोल रहे ना ते तवज्जो मिली मुर्शिद कामिल दी ते अपने मर्तबा बलायत ते मुकाम ते पहुंचे ना जदों कमाल ते ते आप दूसरी बारी मुर्शिद नु मिलन आए ते मुर्शिद कामिल ने अपने दो छोटे छोटे बच्चे बुला के ते आपने फरमाया मेरे पुत्रां ते तवज्जो फरमाओ इन्हां नु तवज्जो फरमाओ ते इन्हां दीआं बलायत दीआं मंजिलां आसान करो। मुजद्दद पाक फरमाते ने मैं अपने मुर्शिद कामिल दी औलाद उत्ते तवज्जो फरमाई उन्होंने फैज अता किया ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमान लगे हुण इन्हां दी मां ते भी इत्थे बह के तवज्जो करो। आप फरमाते ने मैं उन्हां दी वालदा ते भी अपनी रूहानीयत दी तवज्जो कीती उन्होंने भी मर्तबा वलायत अता किया। गिरामी कदर हजरात हजरत मुजद्दद अलफसानी ओ जाते पाक ने के मुर्शिद कामिल एक दिन तवज्जो हजरत मुजद्दद पाक मुर्शिद कामिल दे हुजरे च आराम कर रहे ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला आके ना ते बार इस तरह करके हाथ बन के दरवाजे ते खड़े भाई मुरीद अंदर सुता है ते मुर्शिद हाथ बन के बार खड़े हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अचानक हजरत मुजद्दद पाक उठ के खड़े हो गए ते आपने फरमा बाहर कौन है अर्ज की कि हजूर मुर्शिद आए ने दौड़ के बाहर आए थे हजरत मुजद्दद पाक इस तरह करके इस तरह हाथ बन के ना ते बैठे दोजानू बड़े अदब दे नाल। उस वेले मुजद्दद पाक दे बारे आपने फरमाया ए ओ सूरज जिदे विच साडे वर्गे लखां चिराग गुम हो जांदे सुभान अल्लाह। उस मुकाम ते हजरत मुजद्दद अलफसानी रजी अल्लाह तआला अन्हु गिरामी कदर हजरात मुर्शिद कामिल ने तीन मुलाकातां किताबां च लिखियां। तीसरी मुलाकात दे बाद हजरत मुजद्दद पाक नूं मुर्शिद कामिल ने फरमा हुण साडी मुलाकात नहीं होनी वक्त आ गया। नौजवान जड़े वेले ख्वाजा साहब दा आखरी वेला आया आपने फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा जनाजा पढ़ाने वाला। नौजवान आपने फरमाया कोई जनाजा पढ़ाने वाला भी आवेगा। जड़े वेले हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दा जनाजे दियां कितारां बन गईयां लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार आया ओदे चेहरे ते नकाब है आके मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ा के टुर पिया ते मुरीदा ने जाके पकड़ के अर्ज की दी लजपाला तुसी कौन हो चेहरे तो नकाब हटाया ते वेखन वाले हैरान रह गए ते आपने वेखिया जिदा जनाजा पढ़िया ओ भी बाकी बिल्लो जिन्ने जनाजा पढ़ाया ओ भी बाकी बिल्लो। फरमाया जे समझ नहीं आई ते सुन लो फानी ओ पिया जे बाकी आ पिया जांदा फानी ओ पिया जे ते बाकी आ जा रहा जे पत्ता चलिया जिहड़ा फना हो जाए वही बका पा जाता है। जुमा पढ़ के ना जिदा गुजर होवे दरिया या नहर के किनारे तू
एक पानी का कतरा नहर में सटिया जे फिर पानी का कतरा दोबारा बाहर निकल सकता नहीं ना हो फना गया हो तो फना गया पर दरिया ते नहर कहती है तू छोटा जा होके मेरे तू फनाओ चलिया ते मैं तेनों को फनाओ आन देना है आ जा मैं तेनों नहर बना के नाल ही लै चला हाँ दुनिया की नजर च फना हो गया पर हमेशा लिए बका पा गया हमेशा लिए बाकी रह गया उंज उन्हें सुख के मर जाना सी पर हुण दरिया नूं कौन सुकावे कौन सुकावे वह कतरा ही दरिया बन गया पता लग्या कि फना दे विच ही बकाए जिन्होंने इस कुलिए पा लिया ओ ही बाकी रह गए ओ ही बाकी रह गए जिन्ना फना हो के फना फिर रसूल दे अंदर बका बिल्ला दे मुकाम पा ले ए हजरत खाजा बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्ला अलैह ने हजरत मुजद्दद पाक हुन सरहंद शरीफ आ गए अगला दौर सुनिए वक्त दा बादशाह सी अकबर बादशाह जिन्नो लोगों ने मुगले आजम भी आख्या उन लोगों ने शहनशाह अकबर भी आख्या मुगले आदम भी आख्या अकबर शुरू दे अंदर आगाज दे अंदर अबाओ अजदाद तो लैके ते बड़ा पक्का सुन्नी पक्का मुसलमान इहदी जिंदगी दे उलमा ने तीन अदवार लिखे ने कि तीन दौरे की जिंदगी चाहे वो किहड़े सुनिए इन्हें इस्लाम नूं किस तरह नुकसान पहुंचाया नौजवानों अकबर का पहला दौर ऐसा है कि इस्लाम ना बड़ी मुहब्बत करने वाला इन्हें अपने महल के अंदर के दरबार के अंदर बड़े बड़े वड्डे उलमा रखे सन जिहड़े रोजाना मुनाजरा करते तकरीर करते पहला दौर ऐसा दौर है कि हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ से जाता है तो नंगे पांव जाता है अकीदत की वजह से और आप दे मिजार दियां सीढ़ियां पैर ना नहीं चढ़दा घुटनियां दे बल ते चढ़दा घुटने जख्मी हो जांदे वक्त दा बादशाह बर्रे सगीर दा बादशाह मगर जदों अल्लाह दे वली दी बारगाह चाहुंदा ते घुटनियां ते बल आंदा है हज करन दा बड़ा शौकीन सी कि मैं हज करके आवां ते हज ते नहीं जा सकदा अपनियां हुकूमत दी जिम्मेदारियां दी वजह तों ते हर साल जदों हाजी हिंदुस्तान तों चलदे ने ते उहनां दे अखराजात भी देंदा है ते हाजियां वांगू एहराम बन लैंदा है ते पैदल उहनां दे नाल चलदा है बड़ी दूर तक चलदा नाले रोंदा है ते कहिंदा अल्लाह दे घर च जाऊं मेरा अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करिया जे नबी पाक दी बारगाह च मेरा सलाम पेश करिया जे मक्का ते मदीना तैयबा दे मुसलमानां वास्ते तोहफे तहाइफ भी भेज दे बड़ा हसीन दौर सी अकबर दा पहला दौर इस्लाम दी नशरो अशायत हो रही मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमा देने के नुकसान किवें होया वजह की बनी कि अकबर क्यों बहक गया आ फरमा देने मौलवियों ने बहकाया ओए मौलवी जेड़े दीन दे ठेकेदार भी बंदे ने ते दीन नुकसान भी देंदे ओ मौलवी जेड़े अपने आप नूं दीन समझदे ने कि मैं ही दीन हां ओ मुल्ला मुबारक ओदे पुत्र फजल ते फैजी वर्गे उलमा अब्दुल्ला सुल्तानपुरी वर्गे उलमा ओदे महल दे अंदर ओदे करीबी हो गए हर मौलवी का दिल करदा मैं बादशाह दा करीबी हो जावां एक दूसरे नूं नीचा दिखाने की कोशिश कर दे अपने आप नूं आलिम साबित करने की कोशिश कर दे आलिम ते दरवेश च आई ते फर्क हुंदा आलिम कहंदा मैं सारे तो वड्डा ते दरवेश कहंदा ओ सारे तो वड्डा सुभान अल्लाह आ फर्क है आलिम ते दरवेश च हर मौलवी दा दिल करदा मैं मौल बादशाह दा करीबी हो जावा मैनू दौलत मिले दौलत दी हिरस च दीन दा बेड़ा गर्क करके रख देता इन्हां मौलवियां ने रोजाना मुनाजरे करने बादशाह दे सामने ते बादशाह नूं ख्याल आउणा आ सच्चा है कि ओ सच्चा है आ सच्चा है कि ओ सच्चा है हौले हौले बादशाह दीन तो दूर होना शुरू हो गया देखे इस्लाम नूं कैसा नुकसान पहुंचे आखिर उन्हें सारे मौलवियों की छुट्टी करा दी अबुल फजल ते फैजी वर्गे मौलवी ज्यों ज्यों बादशाह दे करीब आउंदे गए बादशाह उन्हां दीन तो दूर होंदा गया क्योंकि आलिम नहीं सन ना लालची सन
दुनिया की हिरस है जिन्हां दे बारे नबी पाक दी अहदीस दा मफहूम है। फरमा जिहड़ा दुनिया वास्ते दीन सीखेगा सिद्धा दोज़ख च, कोई जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सके। ग्रामी कदर हजरात, आखिर इना दूर हो गया अकबर बादशाह दीन तो के दूसरा दौर शुरू हो गया। उन्हें उलमा सारे निकाल दिते, हिंदुओं के पंडित बुला ले, ईसाइयों के पादरी बुला ले, सिखां के गुरु बुला ले, उन्हें हर मजहब का एक ना एक पेशवा अपने उस महल के अंदर बुला लिया। आखिर इंज हो गया कि वह जो हर वेले मसीतां ते दरबार बनाने वाला बादशाह सी, उन्हें हुक्म दिता कि मस्जिदां गिरा दिओ ते मंदिर बनाने शुरू कर दिओ। उहदे दरबार च सूरज दी पूजा वास्ते स्पैशल दिन मुकर्रर कर दिता गया, हत्ता कि इस्लाम दीआं सारीआं निशानीआं नूं उन्हें आख्या मिटा दिओ हिंदुस्तान दे विचों, मस्जिदां दी जगह मंदिर। जुमे वाले दिन कोई अदब एहतराम नहीं, इतवार दे दिन दा अदब शुरू कर दिता गया। गाय हलाल जानवर पर ओदे ज़बह करन ते उन्हें पाबंदी लगा दी थी, कोई गाय ज़बह ना करे क्योंकि हिंदुआं दी माता है। कुरान मजीद फुरकाने हमीद पढ़ना पाबंदी लग दी थी, कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। मस्जिदां नूं सारियां नूं शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे, सूरज की पूजा की जा रही, सूर ते कुत्ता हलाल करार दे दिता गया, शराब भी हलाल करार दे दी गई, जुआ खेडन वाले नु सूद ते पैसे दिते जा रहे के खुल के जुआ खेलो, यानी इस्लाम दी हर निशानी नु मिटा दिता गया। इस्लाम दे उते डाडा ते औखा वेला आ गया, सकी बहन ते सके भाई दी शादी नु हलाल समझिया गया, हत्ता के उन्हें आख्या इस्लाम खत्म करो, एक नवा दीन बनाओ, उदा नाम रखा दीने इलाही। दीने इलाही दे अंदर इस्लाम दी कोई निशानी नहीं रखी गई, हिंदुआ दियां जेड़ियां चंगियां गल्लां लगियां वह भी शामिल कर लिया, ईसाइयां दे मदब दा जो अच्छा लगा वह भी शामिल कर लिया, यहूदियां दे मदब दा भी जो अच्छा लगा शामिल कर लिया, नसरानियां दा भी जो अच्छा लगा शामिल कर लिया, तहरीये दा भी जो अच्छा लगे शामिल कर लिया, नौजवान हत्ता के आतश परस्तां दे मदब दा भी जो अच्छा लगा उहदे च शामिल करके उहदा नाम रख्या गया दीने इलाही। कुरान दी जगह किताब रखी गई, उस किताब नु मनन वाले ने चेले किया जांदे, मुसलमान तो बदल के चेला नाम रखा गया कि ए चेला है। आखिरकार बादशाह ते ओ भी वेला आ गया कि उन्हें हुक्म दिता कि जेड़ा मेरे दरबार च आवे ओ पहले मेनू सजदा करे, सजदा करे फिर दरबार च आवे। उन्हें सजदा करवाना बादशाह अकबर ने अपने आप ने शुरू कर दिता। उलमा खामोश ने, जेड़ा बोलता है उन्हें सूली चढ़ा दिता जाता है, उन्हें कैद कर दिता जाता है, बादशाह के गजब का निशान बन जाता है। उस वेले जब इस्लाम से डाढ़ा वेला आया ना, उस वेले बाबा उठ गया, सुभान अल्लाह कहनी बन दी, फिर वो इस्तकामत वाला उठा। बाबा जी ने बेड़ा चुक लिया कि हुण मैं दीन नूं इन्हां बिदता तो पाक करांगा, हुण मैं दीन दा बेड़ा पार करांगा। अकबर जे बादशाह दे नाल मत्था लगाना को सौखा नहीं सी, पूरे बर्रे सगीर दा बादशाह सी, अद्धी दुनिया दा मालिक सी। बाबा जी ने उस वेले अकबर नूं ललकारिया ते फरमाया, अकबर आ जा, हुण मैं तेनूं मुहम्मद दे दीन दा डंका बजा के विखावांगा। बाबा जी ने तलवार नहीं पकड़ी, कलम पकड़िया। अल्लाह ने कुरान च फरमाया अल्लम बिल कलम, फरमाया ऐसा कलम दे नाल इंसान नु इल्म सिखाया। बाबे ने तलवार दी जगह कलम पकड़ लिया ते खत लिखने शुरू कीते। बाबे दे खतां ने इनकलाब बरपा कर दिता। ओ जड़े बादशाह दे करीबी ते दरबारी सन, आपने उन्हां नूं मकतूबात लिखने शुरू किए। अज भी हजरत सैयदना मुजद्दद रफ़सानी दे मकतूबात इस्लाम का बहुत बड़ा ज़खीरा है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ विच हजरत मुजद्दद पाक दे मकतूबात शरीफ पढ़ाए जा रहे, फैज़ हासिल किया जा रहा।
नौजवान मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जड़े वेले अकबर दा मुकाबला किया इधर बादशाह अकबर दा आखरी वेला आ गया उधर मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिख लेके आई उहदे जड़े करीबी दियों दे मुसाहिब ने उहनां नूं दीन इस्लाम वल भी बुला लिया नौजवान वेला यो आ गया उह सारे मुजद्दद पाक दे मुरीद बन गए इधर बादशाह ने मुजद्दद पाक दे नाल मुकाबला करन वास्ते लश्कर बुलाया रात नूं आंधी चली उहदे खैमे दी इक बांस उखड़ के उहदे सिर च लग्गिया ते बादशाह अकबर नूं जख्म आया बादशाह ते फौत हो गया उहदा पुत्तर जिहड़े वेले जहांगीर बादशाह बन गया ते मुजद्दद पाक नूं कोशां दे नाल उह बादशाह बणिया क्योंकि उहदे दिल विच इस्लाम दी मुहब्बत मौजूद है नौजवान मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला नूं उहदे खिलाफ साजिश की गई जहांगीर बादशाह नूं भड़काया गया ये सारिया नालों बाबा अपने आप नूं अफसल समझदा है जहांगीर बादशाह ने आख्या बाबे नूं दरबार च बुलाओ जिहड़े वेले मुजद्दद पाक नूं दरबार च बुलाया गया ते लोगां आख्या बाबे ने तैनूं सजदा नहीं करना उधर लोगों ने मुजद्दद पाक ने आख्या थोड़ा जिहा झुक जाया अज फरमाया मैं अल्लाह तों इलावा किसे दे सामने झुकदा नहीं बादशाह ने अपना तख्त बिछाया अपने तख्त के सामने छोटा जिहा दरवाजा रखिया उहदे वास्ते उहदे ज़हन च ख्याल है जद मुजद्दद लफसानी आउणगे इस दरवाजे च छोटा जिहा नीवा होके गुजरनगे ते सारे दरबारी शोर मचा देणगे आ मज़हर हंदी ने बादशाह नूं सजदा कर लिया पर वह भी नबी करीम दा लाडला सी जिहड़ा वेले दरबार के अंदर आए वेख्या छोटा जिहा दरवाजा झुक के गुजरना पैणा है कि बाबा जी ने सर नहीं गुजारिया पहले अपनी जुत्ती मुबारक गुजारी ते जुत्ती दा तलवा बादशाह वल के करके फरमा देने तू मैनू की हरन है तू ते दुनिया दा बादशाह है मैं दीन दा बादशाह वा फरमाया तेरी सारी सही मेरी जुत्ती दी नोक तू पार तेरी सारी बादशाही मेरी जुत्ती दी नोक ते मेरी जुत्ती दी नोक ते बाबा जी ने पहले ए इंज करके जुत्ती मुबारक पाँव मुबारक गुजारिया ते फिर सीना तान के आप गुजरे बोले नहीं सुभान अल्लाह तुसी इसे वास्ते ते अल्लामा इकबाल ने फरमाया गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे अल्लामा इकबाल भी इत्थे आके तड़प उठे फरमाते ने जहांगीर दे सामने खलोना को सौखा काम से पता सी एक लम्हा लगना ते गर्दन उड़ा दी जानी है पर गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे मेरी मिल्लत नौजवानों तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हजरत मुजद्दद पाक आए थे जहांगीर ने जड़े वेले वेख्या कि बाबा ते लिफदा ही नहीं उन्हें आखे नू जेल च भेज दो मैं तुहानू अगे भी सुनाई सी ना गल कि जदों मौलवियां दे खिलाफ दलील लाना होवे ते कहंदे ने मौलवी डक दो हैना जदों दलील ना होवे फिरौन ने भी आख्या सी लअजअलन्नक मिनल मसजूनीन मूसा मैं तेनू जेल च डक देना है क्योंकि उहदे कोल दलील कोई नहीं ते मौलवियां नूं कहंदे ने जेल च डक दे जदों जहांगीर ने वेख्या कि सामने ते दलील चलदी कोई नहीं बाबा लिफदा ही नहीं उन्हें आख्या जेल च डक दिओ मुजद्दद पाक ने मुरीदां नूं पहले ही फरमा दिता सी मैनूं इशारे पे होंदे ने कि मेरे ते कोई बला नाजल होण वाली है ते जदों जेल का हुक्म होया ते चुप करके हसदे जेल वल टुर पे हसदे टुर पे कला गबाल यार नु जेल बना के ते बाबा जी ने जब बंद किया गया ना मुजद्दद पाक नु ते आपने फरमाया मेरा रब दा बड़ा ही शुक्र है कि मैंने रब ने तबलीग करन दा मौका दे दिता ओ जिन्ने जेल च हिंदू सन ना सारे ही मुसलमान बाबे ओ बाबे सारे ही मुसलमान कीते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु भी जदों जेल च भेजा ते गए कल्ले सन पर जदों निकले ते सारियां नु ईमान वाला बना के लैके आए मुजद्दद पाक भी जेल च गए थे आपने तबलीग की थी ना ते दो साल च आपने सारी जेल वाले कैदियों को मुसलमान बना लिया हिंदू सारे मुसलमान हो गए
नौजवान एक रात जागीर बादशाह लिटिया कमली वाले ख्वाब अंदर आ गए। नबी करीम ने अपने दंदा मुबारक दे नीचे अपनी उंगली रखी है। नाले परमाद ने जहांगीर आगी की तय एडा बड़ा बंदा जेल च डक दिता। नबी करीम जड़े वेले मुजद्दद पाक दी सिफारिश करने आई। जहांगीर बादशाह ने हुक्म दिता जल्दी करो शेख मसरांदी नू जेल च बाहर लेके आओ। आपनू पैगाम मिले फरमाया मैं इंज बाहर नहीं आना। अर्ज की किवें आओगे फरमाया मैनू तू नहीं छड़िया मैनू कमली वाले छुड़ाया है हुन मैं इंज बाहर नहीं आना। तेरे बाप ने जेड़िया मस्जिदां शहीद करके मंदिर बनवाए ने वो मंदिर ढा के उन्होंने जगह पहले मसीतां बनवाओ। फरमाया कुरान की तलीम आम कर। फरमाया गाए अपने हाथों के नाल ज़बा कर। ओ जामिया मस्जिद दिल्ली के अंदर जुमे का खुतबा आप दे। फरमाया मेरे नबी की शरीयत दी जड़िया हदा पमाल हुई उन्हें हदा नू दोबारा कायम कर। जहांगीर बादशाह ने हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाला जो तुसी आखोगे मैं कर देनो पर एक कम करया जे मैनू अपना मुरीद भी बनाया। जहांगीर बादशाह बाबे का मुरीद भी बनया। सारियां गल्लां जिहड़ियां उहदे बाप ने इस्लाम च निकालियां सन उह दोबारा सारियां जहांगीर दे जरिए बाबे ने फिर इस्लाम च शामिल कराईयां। इस्लाम नूं फिर नवां कीता बाबे ने इस्लाम नूं। फिर ओ बाबे ने जिहड़ा बीज बोया सी ना जहांगीर दे बादशाह जहां ते शाहजहां दे बाद जदों आलमगीर आया उन्हें 500 उलमा इकट्ठे करके फिर जमाने का इतना बड़ा फतावा आलमगीरी लिखवाया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पता लग्या कि वह जड़े दीन ते इस्तेकामत इख्तियार कर जाते हैं। नौजवानों मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फिर मस्जिदां बनवाईयां हैं वह हिंदुआं दीयां सारियां रस्मां खत्म कराईयां दीन इलाही नूं खत्म करा के वह मुहम्मद दा दीन इस्लाम दा झंडा बुलंद किया। इस वास्ते आप नूं हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी किया जाता है हज़ार साल मुजद्दद। एक दिन बारिश हो रही रमज़ान शरीफ का महीना तरावियां पढ़िया जा रही तो बारिश बड़ी हो ते कमरे च हबस बार बारिश तरावियां भी पढ़नियां ते मुजद्दद पाक बार आके आसमान वल वेख के फरमांदे ने की जे सानू कुरान खत्म कर ही लैंदे हो। उस वेले बारिश बंद हो गई 27वीं ते कुरान 3 खत्म किए। इधर कुरान पाक खत्म हो गए तो उधर बारिश भी आ गई। मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीआं करामात सुनामा ते बेशुमार जदों आप दा विसाले पाक होया ना ते आपने ना इस तरह करके नमाज की तरह उस वेले हथ बंधे सन गुसल कराने वाले गुसल के वेले इस तरह करके हाथ खोले जो गुसल मुकम्मल होया तो हजरत मुजद्दद पाक ने फिर हाथ बंद ले। फरमाया मैं सारी जिंदगी इंज ही रहा तो बारगाह च चलिया थे सारी जिंदगी नबी पाक की शरीयत के एक खिलाफ ना कम किया ना करन दिता। सारी जिंदगी नबी पाक की सुन्नत तो बार कम नहीं किया ना करन दिता। ये मजीद बहस करिए तो बड़ा लंबा चौड़ा वक्त दरकार है। बस अल्लाह ने फरमा इन्ना लदीना कालू रब्बुन अल्लाह थुम्मा इस्तकामो ये वही लोग ने जिन्हें आख्या साडा अल्लाह अल्लाह भी है ते रब भी है साडा अल्लाह रब भी है साडा ते फिर उहदे ते पक्के हो गए। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए आमीन। वाखिरु दावा अलहम्दुलिल्लाह।